हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 to 5 क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना पॉज करके सारा कुछ। कंडक्टर किसे बोलते हैं, नॉन कंडक्टर किसे बोलते हैं, मेटेलिक कंडक्टर किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसे बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आप लोग पॉज करके सारा कुछ पढ़ लेना, समझे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में, उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली आयनाइज ना हो पाए एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में, तो उसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। जितने भी सारे सॉल्ट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और जो भी ऑल कार्बोनिक एसिड एक्सेप्ट सल्फोनिक एसिड, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। CH3COOH, HCNNH3, अमीन एक्सेट्रा एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोलाइसिस आता है। इलेक्ट्रोलाइसिस हम किसे बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। मेन इंपॉर्टेंट ये दो पॉइंट है। अब इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, उसे हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। और जिस में टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, उसे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूजन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एग्जांपल दे दिया एनोड और कैथोड। पॉजिटिव चार्ज एनोड, नेगेटिव चार्ज कैथोड, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हटाया जाए, क्लोरीन पे आएगा तो एनोड, और सोडियम को नेगेटिव पे रखा जाए, Na प्लस नेगेटिव पे रखा जाए, प्लस हट जाएगा सोडियम। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम देखते हैं, यहाँ पे फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड था, एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन में कैथोड पे H प्लस, इलेक्ट्रॉन H, H, H दो मिला करके गैसेस फॉर्म बना, और एनोड का भी नॉर्मली जो पहले किया हुआ है वही है सारा कुछ। फराडेज लॉ आता है। फराडेज लॉ किसे बोलते हैं, फराडेज लॉ में दो लॉ होते हैं। फराडेज फर्स्ट लॉ, जो कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, और Q वहाँ पे चार्जेस होते हैं। चार्जेस किसे बोलते हैं, Q इक्वल टू I इंटू टी। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। और W को हम लोग वहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकालेंगे, W इक्वल टू जेड इंटू वन इंटू टी, सॉरी वन नहीं, आई इंटू टी। देखिए लो, ये सारा कुछ पॉज करके आप लोग पढ़ लेना एक बार। अब यहाँ पे आप लोग देख लो सारा कुछ। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, Q इक्वल टू आई टी, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। वहाँ से हम लोगों का W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी आता है। जेड क्या है, कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं। कभी भी F इक्वल टू जो होता है ना M में, तो वहाँ पे भी एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और प्रोपोर्शनल हटा करके M लिखते हैं। हर जगह प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और वहाँ पे हम लोग K कॉन्स्टेंट लाते हैं, जेड कॉन्स्टेंट लाते हैं, या जो कॉन्स्टेंट होता है वो लाना होता है, समझे। तो यहाँ पे जेड क्या है, कॉन्स्टेंट है, नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, ठीक है। और क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वहाँ पे आपको जेड निकालना होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को बोलेंगे जेड, और जेड कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट एलिमेंट ऑफ वेट ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 96500। 96500 क्या चीज़ होता है, ये होता है फराडेज। फराडेज एफ से डिनोट करते हैं, और एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है ई इंटू एन, चार्ज इंटू एवोगाड्रो नंबर, 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 इंटू 6.023 इंटू 10 द पावर 23 इक्वल टू 96500। चार्ज इंटू एवोगाड्रो नंबर करोगे तो आपका ये आ जाएगा। चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19। फिर इस जेड की वैल्यू पुट करते हो इस इक्वेशन में, तो आपको W इक्वल टू ई बाई 96500 आई इंटू टी आएगा। सारा कुछ दिया हुआ रहेगा, ये एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, आप लोग ई बहुत ईजिली निकाल लोगे, समझे। और W पूछेगा आपसे, W निकाल लेना। अब फराडेस सेकेंड लॉ आता है। तो फराडेस सेकेंड लॉ किसे बोलते हैं, फराडेस सेकेंड लॉ बोलते हैं, फराडे सेकेंड लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोलाइट्स बाय पैसेज ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंस। जो W होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केमिकल इक्विवेलेंस का। W1 बाय W2 इक्वल टू E1 बाय E2, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT इंटू E, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो 1 बाई एफ हम लोगों का आता है, ठीक है। 1 बाई एफ
लेंगे तो W इक्वल टू आई इंटू टी इंटू ई डिवाइडेड बाई एफ। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखना। आई टी इक्वल टू, अगर एफ होता है तो एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, देन W इक्वल टू ई। ठीक है, फराडे इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, जो मैंने अभी बताया, चार्ज इंटू एवोगाड्रो नंबर 1.6 इंटू 10^-19 इंटू 6.023 इंटू 10^23 इक्वल टू 96500 कूलम्स इसका यूनिट होगा। टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एनी मेटल ऑफ वैलेंसी जेट, कोई भी एक मोल मेटल को डिपॉजिट करेंगे जिसका वैलेंसी जेड होगा, रिक्वायर्स जेड मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होगा? जेड मोल्स। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एम बाई जेड। एम यहाँ पे क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट, या आप लोग इसे एटॉमिक वेट बोल सकते हो। व्हेन एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर डिपॉजिटेड एम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक वेट, एंड व्हेन मॉलिक्यूल आर डिपॉजिटेड एम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। इफ दे आस्क्ड एट एनटीपी और लीटर, एग्जामिनर भी बड़े तेज होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि बच्चों को ये सारा कुछ मालूम है, तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं वॉल्यूम और लीटर में। तो वॉल्यूम और लीटर में पूछे तो आप लोग भी तेज हो, क्योंकि आपने पीआईपी से पढ़ा। तो वहाँ पे आप लोग क्या करना, आप लोग ये फॉर्मूला लगा के आना, वी बाई आई टी इक्वल टू वी एन बाई एफ। वॉल्यूम पूछेगा ये आपसे, ठीक है, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और मतलब गिवन रहेगा मतलब वी का वैल्यू पूछा जाएगा आपसे, समझे। और आई टी दिया हुआ रहेगा एफ 96500, वी एन ये भी मैं कंफर्म बता देता हूँ, एग्ज़ाम में जो एलिमेंट रहेंगे, जो एटम रहेगा, वो Cl2F2H2O2 ही रहेगा। अगर O2 देते हैं तो 5.6 रखना Vn, और Cl2F2H2 देते हैं तो 11.2 रखना। ये पुट करना, 100% क्वेश्चन सही होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फराडेज लॉ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फराडेज लॉ उतना था। अब फराडेज लॉ के बाद क्या आता है? फराडेज लॉ के बाद हम लोगों का आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसमें हम लोग पढ़ते हैं रेसिस्टेंस किसे बोलते हैं, कंडक्टेंस किसे बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी किसे बोलते हैं, कापा किसे बोलते हैं, कंडक्टेंस वगैरह सारा कुछ हम लोग देखेंगे एक दूसरे से, इनका रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस सबको मालूम है, वी इक्वल टू आई आर, करेंट इंटू रेसिस्टेंस, तो आर इक्वल टू वी बाई आई। कंडक्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, मतलब जी इक्वल टू 1/R। यूनिट सबको मालूम है, ओम होता है रेसिस्टेंस का, तो अगर इन्वर्स कर दिया जाए तो मो होगा कंडक्टेंस का, या पर ओम। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी किसे बोलते हैं, रो से डिनोट करते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इक्वल टू रो एल बाई ए करेंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ से रेसिस्टिविटी इक्वल टू रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लेना पॉज करके। अगर L इक्वल टू 1 होता है, A इक्वल टू 1 होता है, देन रो इक्वल टू R, A इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1, देन रो इक्वल टू R। दस द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मे बी डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन, यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यूनिट क्या होगा, रो का ओम सेंटीमीटर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा जाता है, इसे हम लोग कापा बोलते हैं, कापा बोलते हैं, जो कि हम लोगों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, सॉरी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है, अब इतना समझ जाओ, अब जो इम्पॉर्टेंट है वो ये इक्वेशन है, इसे याद रखना, इसके बिना न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा सेल कांस्टेंट क्या होता है, और सेल कांस्टेंट दे देंगे, और सेल कांस्टेंट दे करके आपको न्यूमेरिकल वो लोग पूछ सकते हैं। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला जब तक आपको नहीं मालूम होगा आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज ए, directly proportional to the distance between the electrodes, R is directly proportional to L, or B, R is directly proportional to L by A, R equal to rho into L by A। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हम लोगों का जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था रेसिस्टेंस का, तो ये सारा कुछ हम लोग पुट करेंगे, तो जी इक्वल टू ए बाई रो इन टू एल, सिंस 1/ρ इक्वल टू कापा, बिकॉज कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्पेसिफिक रेसिस्टेंस तो कापा इक्वल टू 1/रो, तो 1/रो इक्वल टू कापा, तो ए बाई कापा इंटू एल, ए बाई कापा इंटू एल इक्वल टू जी। कापा को इधर करेंगे, जी को नीचे करेंगे, समझ रहे हो ना। तो कापा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी कापा ऊपर आएगा बिकॉज 1/रो इक्वल टू कापा, इट मीन्स जी इक्वल टू ए इंटू कापा डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, अब यहाँ से ये इक्वेशन कापा इक्वल टू जी एल, एल गया इधर और ये आया नीचे, जी इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू एरिया और लेंथ है, एल फॉर लेंथ ए फॉर एरिया, देन कापा इक्वल टू जी। कापा क्या था हम लोगों का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और जी क्या चीज़ था हम लोगों का, कंडक्टेंस। कापा इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए, वेयर एल बाई ए इक्वल टू सेल कॉन्स्टेंट, एल बाई ए को ही सेल कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो कंडक्टेंस आपका दिया रहेगा, सेल कॉन्स्टेंट दिया रहेगा, और आपसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछ लेंगे। तो ये फॉर्मूला लगा करके बना लेना। अगर सेल कॉन्स्टेंट पूछते हैं तो वो लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे देंगे और कंडक्टेंस दे देंगे, तो आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कापा बाई जी कर देना, आप लोगों का सेल कॉन्स्टेंट आ जाएगा। सेल कॉन्स्टेंट इज़ अ फिक्स्ड यूनिट फॉर अ पार्टिकुलर सेल एंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल डिवाइडेड बाई द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, कापा इक्वल टू जी इंटू सेल कॉन्स्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये और ये, सेल कॉन्स्टेंट इक्वल टू कापा बाई जी इक्वल टू कापा इंटू आर, कापा इंटू आर मेनली वो लोग रेसिस्टेंस ही देंगे, क्वेश्चन में आपसे रेसिस्टेंस के बारे में ही पूछेंगे। तो के कापा इंटू आर इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा इंटू रेसिस्टेंस, इसको मैंने खोल के लिखा, कापा मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और आर मीन्स रेसिस्टेंस। तो सेल कॉन्स्टेंट क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू रेसिस्टेंस, ये फॉर्मूला याद रखना। ये याद रहे या ना रहे, पीछे जो पढ़े वो याद रहे या ना रहे, सेल कॉन्स्टेंट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा इंटू रेसिस्टेंस, ये याद रहना चाहिए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अब ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी तक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देख लिया, एक देख लिया फराडेज लॉ और दूसरा देख लिया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जिसमें सेल कॉन्स्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है याद रखना। 7 नंबर में जितने भी रेड पेन से लिखे हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसे बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कापा एंड वॉल्यूम वी इन मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देयर फोर लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कापा इंटू वी। नॉर्मली बताता हूँ कि किसे बोलते हैं, कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू वॉल्यूम, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला। अगर हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा सॉल्यूशन का, तो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो क्या करेंगे, वॉल्यूम को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट याद रखना, पहले के टाइम में 2015-16 में जब 12 बोर्ड होता था सीबीएसई के बोर्ड में, ये यूनिट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते थे। जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, 10 क्वेश्चन आते थे उस समय, तो उस समय बोर्ड में भी ये सारा कुछ पूछा जाता था, तो इसे आप लोग याद कर लेना। मोलर कंडक्टेंस अब किसे बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द वॉल्यूम विच कंटेंस 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, इसमें मैंने इसलिए लिखा बिकॉज आपको याद रहे, अगर वो लीटर में देंगे तो आप लोग उसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू म्यू इक्वल टू कापा इंटू वी, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कापा इंटू 1000/m। ये चीज़ें और ये चीज़ें याद ना रहे चलेगा, बट ये और ये कापा इंटू 1000/m, कापा इंटू 1000/c आप लोगों को याद रहना चाहिए। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, या वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। नॉर्मलिटी इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलरिटी वैलेंसी फैक्टर,
आप लोग निकाल लेना, अगर नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकलेगा, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलेरिटी कर लेना, वैलेंसी फैक्टर निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये मैंने 2014 या 13 में ये पूछा था ग्राफ, ये इक्वेशन याद रखना, डीबे हकल ऑन सागर इक्वेशन, या आप लोग ऑन सागर इक्वेशन याद रखना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इक्वल टू, डायरेक्ट ये पूछा गया था जेई मेंस में, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी इंटू रूट सी, सी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, इज डिटरमाइंड यूजिंग कॉलर्स लॉ। कॉलर्स लॉ अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है, बाकी ये ग्राफ आप लोग देख लेना, कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला पूछा गया है, डायरेक्ट वो आपसे पूछ देगा, नीट में मैक्सिमम फार्मूला पूछेगा, उसे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, और कुछ कॉन्सेप्ट पूछ सकता है तो ये पूछेगा, अगर हम लोग कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़ करने से विस्कोसिटी आई थिंक डिक्रीज होगा, जिसके कारण आप लोगों का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर टू ये याद रखना। ट्रांसपोर्ट नंबर होता है एन ए प्लस एन ई इक्वल टू वन, बस फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग देख लेना इसे। कोहलर्स लो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कॉलर्स लॉ किसे बोलते हैं, इट स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डोल्यूशन द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज इक्वल टू एडिशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ बोथ आयन। बोथ आयन कहने का मतलब है ए और बी, वो आपका मॉलिक्यूल दिया रहेगा। ठीक है, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, समझे, बोथ मतलब कंडक्टिविटी ऑफ केटायन और कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एट इनफाइनाइट डल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डल्यूशन का ये मेन फॉर्मूला है। अब वो लोग आपसे ऐसे नॉर्मली डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि इसका बता दो, वो आपसे ऐसे करके पूछेंगे और वहाँ पे आप लोगों से इक्वेशन लिखवाया जाएगा, तो उसका इक्वेशन ऐसे लिखना, फोर ए एक्स डॉट बी वाई टाइप इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, तो आप लोग कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डल्यूशन इक्वल टू वन बाई जेड प्लस कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डल्यूशन ऑफ केटायन, और यहाँ पे इनफाइनाइट डल्यूशन ऑफ एनायन, वन बाई जेड माइनस जेड प्लस जेड माइनस क्या चाहिए, इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द केटायन एंड द एनायन रिस्पेक्टिवली। अब मान लो प्लस टू हो सकता है, एम एन प्लस टू हो सकता है, ओ टू माइनस हो सकता है, जो ये चार्ज होंगे ना वो एक केटायन और एक एनायन का चार्ज होगा। ठीक है, तो वो आप लोग जेड प्लस, यहाँ पे आप लोगों का जेड माइनस डिनोट करता है, समझे क्या करना है। अब मान लो यहाँ पे मैंने फोर एम एन लिख दिया, यहाँ पे टू एम एन लिख दिया, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल कितने मोल्स हो गए एम एन का, टोटल मोल हो गए फोर और ऑक्सीजन का हो गया टू, तो अगर मोल देगा तो हम लोग एम और एन लिखेंगे और यहाँ पे ऐसा इक्वेशन कर देंगे। ठीक है, चार्जेस के लिए वन बाई जेड, वन बाई जेड, मोल के लिए मल्टीप्लाई एम इंटू लैम्डा सी एट इनफाइनाइट डल्यूशन प्लस लैम्डा ए इंटू एन एट इनफाइनाइट डल्यूशन। ठीक है, लैम्डा ए इनफाइनाइट डल्यूशन इंटू एन, हेयर एम एंड एन आर द मोल्स ऑफ द केटायन एंड एनायन। कैलकुलेशन कैसे देगा वो मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया हूँ, इस एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं एक बार बता देता हूँ। बी ओ एच का होल टू का दे दिया आपका पूरा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डोल्यूशन, फिर बी ए सी एल टू एन एच फोर सी एल दे दिया, पूछ देगा एन एच फोर ओ एच का क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, ऐसा करना कि ये तीनों को जोड़ करके आपका एन एच फोर ओ एच आ जाए, तो कैसे आएगा, यहाँ पे आप लोग ये सारा कुछ पॉज करके अच्छे से सॉल्व कर लेना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक इसे इजी तरीका से कैसे सॉल्व करते हैं। बी ए ओ एच का होल टू को आप लोग कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो टू ओ एच माइनस प्लस बी ए, और बी ए सी एल टू को कैसे लिख सकते हो, बी ए प्लस टू सी एल। ठीक है, और एन एच फोर सी एल को कैसे लिख सकते हो, एन एच फोर प्लस सी एल माइनस। ठीक है,
ऐसे करके यहाँ पे 2+ हो जाएगा, ऐसे करके लिख सकते हो। प्लस माइनस का कुछ उतना है नहीं। अब हमें लाना है क्या चीज़, एन एच फोर ओ एच, एन एच फोर ओ एच मतलब एन एच फोर चाहिए और ओ एच चाहिए, तो एक एन एच फोर इधर है और यहाँ पे ओ एच इधर है, समझे। तो ऐसे हम लोगों को इक्वेशन बनाना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे कैसे ऐड करते हैं और कैसे इक्वेशन बनाते हैं वो यहाँ पे आपको सिखाया गया है। हाफ इक्वेशन वन इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया, हाफ प्लस इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री को प्लस कर दो, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इक्वेशन थ्री कर दो, तो हाफ से यहाँ यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी ए बाई टू, ठीक है। और प्लस कर दोगे तो एन एच फोर प्लस सी एल माइनस प्लस बी ए, और फिर उसके बाद क्या, माइनस हाफ इक्वेशन टू, फिर जो भी आएगा प्रोडक्ट उसमें इक्वेशन टू को हाफ से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आ जाएगा, समझे। इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, विदाउट इक्वेशन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत बार। अब आता है आप लोगों का कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल आयन प्रेजेंट। अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम एट सी, लैम्डा एम इनफाइनाइट डोल्यूशन। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट याद रखना, के सी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा। कुछ नहीं पूछेगा इसमें, मैक्सिमम आपसे पूछेगा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट क्या होता है, बाकी अल्फा वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, समझे। यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन वगैरह दे रखा है। अब कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सॉलिबिलिटी का कैसे हम लोग निकालते हैं, तो सॉलिबिलिटी इक्वल टू का पाई इन टू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसे याद रखना सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला, सॉल्ट सच एज AgCl, BSO4 और PbSO4 के लिए वो पूछ सकता है, समझे। लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू कापा इन टू 1000 बाई मोलरिटी इक्वल टू कापा इन टू 1000 बाई सॉलिबिलिटी। लैम्डा एम कैन बी कैलकुलेटेड बाई अप्लाइंग कॉलर्स लॉ फॉर AgCl। लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर AgCl के लिए पूछे, तो AgCl कैटायन प्लस एनायन करना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, ये जो हम लोग साइंस एग्जीबिशन में भी इसे बनाते थे। अब इसमें क्या होता है, सेल इन विच द केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे क्या होता है, जिंक लेते हैं और कॉपर लेते हैं, यहाँ पे जिंक हम लोगों का निकल करके जाता है और कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, समझे। ये जो जिंक है ना, ये हम लोगों का ये बाहर आ जाएगा और यहाँ से कॉपर जो निकलेगा, सॉरी ये क्लोरीन है, ये जो कॉपर है यहाँ पे कॉपर निकल के यहाँ पे डिपॉजिट होगा, कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कैथोड में, समझे। ऑक्सीडेशन होता है, जिंक जहाँ पे रहेगा ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, ये एनोड रहता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है, और ये कैथोड होता है, यहाँ पे हम लोगों का रिडक्शन होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे जेडन से जेडन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, Cu2+ प्लस टू इलेक्ट्रॉन से Cu बनता है। तो ये नॉर्मल सा सारा कुछ है। अब फिर हम लोग देखते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज किसे बोलते हैं, इट अलाउ टू फ्लो ऑफ करेंट बाई कंप्लीटिंग दी सर्किट, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन टू हाफ सेल्स। सेल रिएक्शन Zn+ Cu2+ Zn2+ से Cu, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 2017 रिसेंटली अभी ये पूछा गया है नीट में भी, कॉपी पेस्ट है 2003 का। तो इसमें कैसे देखना है कि हम लोगों को देखना है Zn Zn 2+ Cu Cu 2+ Cu, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। अभी हम लोगों ने ये जो देखा ना, ये वाला डिपोजिशन आपको सारा कुछ समझाया। तो इसमें नॉर्मल क्या चीज़ था, इसमें कैथोड और एनोड समझाना था उसे, कि एनोड पे क्या होता है कैथोड पे क्या होता है। Zn से Zn 2+ प्लस इलेक्ट्रॉन, और कितने मोल होंगे, दो होंगे, दो है। कॉपर Cu2+ प्लस टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होगा Cu। अब हम लोगों ने पहले यहाँ पे क्या दिखाया कि जो आप लोगों का
ऑक्सीडेशन हो रहा था कहाँ पे हो रहा था, जिंक में हो रहा था ऑक्सीडेशन एनोड के पास, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल के पास। तो ये क्या होगा, ये हम लोगों का ऑक्सीडेशन, और ये क्या होगा कॉपर में रिडक्शन। फर्क तो समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीडेशन हम लोग किसे बोल रहे हैं और रिडक्शन किसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो ये चीज़ को याद रखना आप लोग कि ऑक्सीडेशन किस में होगा और रिडक्शन किस में होगा। क्योंकि जब आप लोग नस्ट इक्वेशन पढ़ोगे तो नस्ट इक्वेशन में आप लोगों को ये सारा कुछ दिया हुआ रहेगा और वहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो फॉर्मूला से ई नॉट इक्वल टू, सॉरी ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग कैथोड बाई एनोड या एनोड बाई कैथोड, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोगों को सॉल्व करना होगा और वहाँ पे आपको चूज़ करना होगा ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है और एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, जहाँ रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा, सिंपली ऐसे करना। तो वो यहाँ पे मैंने समझा दिया है, ये आप लोग पढ़ लेना। अब द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, द टेम्परेचर। ई नॉट से और ई नॉट जिसकी मैं बात कर रहा था अभी नेक्स्ट इक्वेशन में आप लोग पढ़ोगे, ई नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेफिनेशन वगैरह आप लोग पढ़ लेना क्या होता है क्या नहीं होता है। इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स इज यूनिटी, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 atm स्टैंडर्ड कंडीशन द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये EMF, आप लोगों से बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है, और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो EMF किसे बोलते हैं वो आप लोग याद रखना, फॉर्मूला जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट फॉर्मूला नहीं बनेगा। ई सेल इक्वल टू, अगर रिडक्शन दे रखे हैं दो तो आप लोग ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड करना। ई सेल अगर दो ऑक्सीडेशन दे रखे हैं तो एनोड माइनस कैथोड करना। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दे रखा और ई सेल निकालना है तो ई ऑक्सीडेशन एनोड एट एनोड प्लस रिडक्शन एट कैथोड, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, दो एग्जांपल लिया है जेई मेंस 2013 और 14 का। तो इसमें हम लोगों का ये सीरीज याद रखना, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा हम लोगों का रिड्यूस करेगा, समझे, उतना ज़्यादा रिड्यूस करेगा और उसका रिड्यूसिंग जो एजेंट होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। जैसे यहाँ पे लिथियम पोटेशियम बैरियम ये सीरीज दिया हुआ है, इसे आप लोग देख लेना। और वैल्यू -3.05 लिथियम का सबसे कम और F2 का आपका सबसे ज़्यादा। तो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, रिड्यूसिंग किसका ज़्यादा होगा, यहाँ आप लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। Cr3+Cr दिया हुआ है, MnO4-Mn2+1.51, CrO2-7-2-Cr3+ का दिया हुआ है और इनोट सेल Cl-1.37। अब इसमें पहले आप लोग निकाल के देख लेना कौन सा रिड्यूस कर रहा और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोगों का Mn2+Cl-Cr3+Cr, कैसे, Mn2+ देखो 1.51 सबसे ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग हम लोगों का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद इसके बाद Cl- का है तो यहाँ पे 1.36 देख लो आप लोग सबसे ज़्यादा, फिर 1.33 तो Cr3+, फिर -0.74 Cr। समझ गए कैसे करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोगों का ज़्यादा होगा वैल्यू, समझे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा, ये किसे बोलते हैं हम लोग, ई नॉट को बोलते हैं। ई नॉट को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल या वोल्ट, जिसका ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा। जिसका ई नॉट कम होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट कम होगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा। और ये क्वेश्चन आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में ये सॉल्व कर लेना। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे Mn2+ दे रखा और MnO4- दे रखा, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे इसे देख करके कि यहाँ पे Mn2+ मैंने लिया, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4- होगा। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं कर रहा, रिडक्शन देखना कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीख गए होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। MnO4
फोर अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए मैंगनीज का, और यहाँ पे मैंगनीज का Mn2+ दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लगाने होंगे। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस है। -2 ऑक्सीजन का होता है हम लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन अगर लिखे तो ऐसे हो सकता है -2, ठीक है, और इंटू फोर इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस दिया हुआ है, -1 इलेक्ट्रॉन है मीन्स 1, और हम लोगों का एक्स एक्स मतलब Mn निकालना है। तो 4 × -2 इक्वल टू -8 इक्वल टू 1, और -8 इधर जाएगा तो वो हम लोगों का, सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस, ये माइनस और सामने माइनस, ठीक है, ये -8 नहीं +8 आ जाएगा। और प्लस क्यों, माइनस माइनस पॉजिटिव, एक्स माइनस -8 इक्वल टू 1। अब ये भाई साहब इधर जाएंगे तो -7 होगा, -1 माइनस 8 इक्वल टू -7, समझे। ये इधर जाएगा ना तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, इक्वल टू के उधर भेजते तो नेगेटिव हो जाता। बच्चों वाली कॉन्सेप्ट है ये आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों का जो रिडक्शन हो रहा है वो MnO4- माइनस में हो रहा, समझ रहे हो ना। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ रहा, तो जाहिर सी बात है रिडक्शन हो रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन है E सेल इक्वल टू U नॉट माइनस RT/NF log base E प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो इसे आप लोग याद रखना, बाकी जो सारा कुछ दिया हुआ है उसे पढ़ लेना आप लोग। E सेल इक्वल टू U नॉट माइनस 0.059, ये सारा कुछ निकालने के बाद RTF का कैलकुलेशन के बाद 0.059 आया। log base 10 प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, ये सारा कुछ दिया हुआ है। एक इक्वेशन ये आता है प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, अगर हम लोग ऐसे लेते हैं, ये क्या है, ये एनोड है और कैथोड का ऐसे, तो हम लोगों का इक्वेशन 2 आता है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिला करके EMF इक्वल टू E सेल इक्वल टू E नॉट, इसको ही EMF बोलते हैं। अगर EMF पूछे ना तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल करके आप लोग बना देना, ईजिली वो सॉल्व हो जाएगा और करेक्ट होगा। इक्वल टू E नॉट सेल -0.059 डिवाइडेड बाई एन log M+N M1+N M2+N, ठीक है, एनोड बाई कैथोड। और ये थोड़ा याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड टेकन एज यूनिटी मतलब 1 लेंगे, सो M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू 1। अगर सॉलिड दिया रहा है, क्लोरीन दे दे और बोले वो सॉलिड फॉर्म में है, या कुछ भी दे दे और वो सॉलिड फॉर्म में हो, तो उसका वैल्यू आप लोग 1 रखना, मतलब log 1 हो जाएगा, समझे। ये चेंज होगा तो टोटल ये चेंज हो जाएगा, तो इसे थोड़े अच्छे से बनाना। अगर सॉलिड रहता है वो आपको दिया रहेगा, रिएक्शन साफ साफ वो लिखा रहेगा जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया ना, ये जो आप लोगों को दिखाया वो ऐसे आपको दिया रहेगा, और बगल में एक्वस सॉलिड लिक्विड सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो वो देख करके आप लोग सॉल्व कर लेना, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्लियर होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट इक्वेशन आप लोग याद रखना। अगर हम लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन दिए दे Cu2++2 इलेक्ट्रॉन और उसका E नॉट दे दे, Cu2++ इलेक्ट्रॉन Cu और E नॉट दे दे, और हम लोगों से पूछ ले Cu+E- Cu, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी स्टार्टिंग में देखा था प्लस माइनस करके इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो पूछता है उसे हम लोग लाते हैं। बट यहाँ पे आप लोग ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी को क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी 3 इक्वल टू डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी नॉट, ठीक है, डेल्टा जी 1 माइनस डेल्टा G2, ये हो गया। जो पूछेगा उसे G3 लेना, जो इक्वेशन 1 होगा G1 लेना, और जो इक्वेशन 2 होगा उसे G2 लेना, ठीक है, और कुछ नहीं करना। और यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, देयरफॉर यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट करके देखा है, यहाँ पे नहीं आ पाया जो फाइनल रिजल्ट चाहिए था, नहीं आ पाया। आप लोग ऐड सब्ट्रैक्ट जो करके देखना कर सकते हो, आप लोगों का नहीं आएगा।
सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन टू फ्रॉम वन डू नॉट गेट द करेक्ट रिजल्ट और विल नॉट गिव द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सो वी हैव टू कैलकुलेट देयर फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा. डेल्टा जी थ्री नॉट इक्वल टू डेल्टा जी वन माइनस डेल्टा जी टू. जी इक्वल टू माइनस एन एफ यू होता है, वो मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा. डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ यू माइनस वन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल सी यू प्लस सी यू. और यहाँ पे माइनस टू क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन है और वन की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन वन में टू इलेक्ट्रॉन है. कैलकुलेट किया हुआ है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ लिया मैंने कैलकुलेट करके, ये आंसर आ गया. तो ये आप लोग देख लेना. सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ये 2016 में पूछा है और नीट 2016 फेज टू में पूछा है एंड जेएमएनस 2012 और 13 में ये पूछा हुआ है, 2006 में भी पूछा गया. तो सेल रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो जो डेल्टा जी होगा वो हम लोगों का नेगेटिव होगा, ई सेल जो होगा वो पॉजिटिव होगा और के जो होगा लेस देन वन होगा. बस इतना याद रखना, स्पॉन्टेनियस होता है तो ये वैल्यू याद रखना और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे. नन स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव होगा, ई सेल नेगेटिव होगा, डेल्टा के मोर देन वन, ठीक है, इस चीज़ को याद. सॉरी, डेल्टा के इज लेस देन वन एंड यहाँ पे होगा आप लोगों का डेल्टा के मोर देन वन. सेल रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, अगर सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा डेल्टा जी इक्वल टू जीरो और माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू जीरो और ई सेल इक्वल टू जीरो. मेन रीज़न क्या है, ई सेल आपका जीरो हो जाता है, ई सेल जीरो होने के कारण डेल्टा जी जीरो हो जाता है. कब, व्हेन सेल रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम. अब ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला भी आप लोगों से पूछा जा सकता है. डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ आर टी बाई एन एफ लॉग बेस ई के इक्विवेलेंट. तो यहाँ से एन एफ कैंसिल हो जाता है और एन एफ कैंसिल, ये सारा कुछ पढ़ लेना कैसे ये इक्वेशन आता. ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग बेस के इक्विवेलेंट हम लोगों ने पहले देखा. अब कैसे हम लोगों ने 0.059 लाया था, आर टी बाई एफ करके इसका वैल्यू इक्वेट करके लाए थे, 8.03 समथिंग होता है 14 और टेम्परेचर दिया हो रहा था फराडे 96500 इक्वेट करके लाते हैं और डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ यू होता है, सब्स्टिट्यूट करके सारा कुछ ये आ जाता है. अब उसे अगर हम लोग एन एफ बाई एन एफ कर दे तो एन एफ कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी लॉग बेस ई के इक्विवेलेंट आएगा और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. सेल्स आता है लास्ट है, ये यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. सेल्स पढ़ लेना, प्राइमरी सेल किसे बोलते हैं, सेकेंडरी सेल किसे बोलते हैं, फ्यूल सेल किसे बोलते हैं. फ्यूल सेल का डेफिनेशन पूछा गया था जेई मेंस 2018 और 17 में. तो फ्यूल सेल क्या होता है, आर दोज इन विच सेल्स आर दोज इन विच सेल्स आर दोज इन विच एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबसन ऑफ फ्यूल्स कैन बी कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बस सिंपल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम लोग फ्यूल सेल बोलते हैं. एग्जाम्पल H2O2 फ्यूल सेल, H2 प्लस O2 सारा इक्वेशन ये एक बार देख लेना. मेन फीचर ऑफ डिफरेंट सेल, इसमें आप लोग लीड स्टोरेज देख लेना, पॉज करके इसे लिख लेना और लीड स्टोरेज देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है. एनोड में जो होगा वो लीड जाएगा, कैथोड में क्या रहेगा, लीड डाइऑक्साइड. पूछेगा कि लीड स्टोरेज बैटरी में आपका एनोड में क्या मिलता है और कैथोड में क्या मिलता है, बस यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा. तो लीड स्टोरेज में एनोड पे क्या मिलता है, तो आप लोग लीड लगा के आना, पीवी लगा के आना और कैथोड अगर पूछता तो PbO2 लीड डाइऑक्साइड लगा के क्या आना. मरकरी सेल में पूछता कैथोड एनोड में क्या मिलेगा, ड्राई सेल में क्या मिलेगा, निकल कैडमियम में क्या मिलेगा और H2O2 फ्यूल सेल मतलब फ्यूल सेल में क्या मिलेगा, तो सारा कुछ दिया हुआ है वहाँ पे, आप लोग मार्क करके आ जाना, पॉज करके सारा कुछ लिख सकते हैं. सो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो गया. जितना जल्दी या जितना फास्ट करा सकता था करा दिया. सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, जेई मेंस का आप लोग पेपर सॉल्व कर सकते हैं. इसके बाहर जेई मेंस का आप लोग जितने भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वेश्चन भी इसके बाहर नहीं है. टोटल यहाँ पे आपका 47 है, टोटल 47 क्वेश्चन दे रखे हैं. 47 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं है जितना मैंने नोट्स दिया. अगर जेई मेन सॉल्व कर लेते हैं तो नीट का पेपर बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, समझे. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स देखेंगे.